हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है मेरा बर्थडे और आज मैं बनाने वाला हूँ मेरा बर्थडे व्लॉग। हुसैन आया है कल रात को, केक वेक काटा, वो सब उसके व्लॉग में देखना, मैंने तो अभी चालू किया। और ना हम लोग अभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं लोनावला। एक और जन ऐड होने वाला है हम लोग के ट्रिप में, जिसको पहली बार व्लॉग में लूँगा, तो उसके लिए रुको, थोड़ी देर में आ जाएगा तो आपको बताता हूँ। और दूसरा, आपको ऑडियो एकदम अच्छा आ रहा होगा क्योंकि मैंने माइक वाइक फुल एकदम अच्छा वाला लगाया है, सेटअप किया है, अच्छा अडैप्टर लिया है, माइक लिया है, प्रॉपर एकदम अपडेट किया है। और अपने इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो किया रहेगा तो आपने देखा रहेगा वो मैंने माइक का अपडेट किया है। बाकी और चलो बताता हूँ आपको रास्ते में। अभी लॉन्ग ड्राइव के जाने के पहले रिचुअल्स हम मैं कर रहा हूँ, जैसे गाड़ी का प्रेशर, टायर प्रेशर चेक करूँगा, भरवाऊँगा, फिर उसके बाद मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, फिर वत्सल को पिकअप करूँगा, ये सब रिचुअल्स है, वो अभी कर रहा हूँ मैं। प्लान में चेंज होने का रिचुअल था ना, वो उसमें से अपन ने हवा तो डलवा दिया लेकिन पेट्रोल लगाने के लिए ना बहुत लाइन थी, तो मेरे को दिख रहा था मैं उधर जाऊँगा ना तो ट्रैफिक में फुल एकदम खचाखच अटक जाऊँगा, तो आगे रास्ते में डलवा देंगे। मैं सोचा था कि आज ट्यूजडे है, ट्रैफिक नहीं मिलेगी, बस लॉन्ग ड्राइव जाएंगे लोनावला। ये देखो गाइस इधर अटक गए हम लोग, देखो ट्रैफिक। गाइस हम लोग है ना पिछले 20-25 मिनट से तो इधर ही खड़े, और हमारा जो दोस्त था जो आने वाला था ना, मैंने बोला वो बच्चा लाने वाला था, वो बेचारा वो आगे खड़ा हुआ है। अब उसको मैं क्या बताऊँ, क्या मुंह दिखाऊंगा उसको मैं, उसको मैंने बुलाया, कॉपीराइट दे रहा है, हमने ट्रैफिक को हमने प्यार किया। देखो गाइस मैं इसको एंटरटेन कर रहा हूं, एकदम बोर हो रहा है गाइस ये ट्रैफिक में। काश लोनावला में वो अपन जो फोटो देखते ना ऐसा इंस्टाग्राम पे वैसी कोई बारिश मिले, मजा आ जाएगा एकदम, मेरा बर्थडे बन जाएगा एकदम। ये वत्सल है, ये मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहा है, अपना बचपन का दोस्त है, ये आया है मेरे बोलने पे छुट्टी लेके, कपिल भैया देखो ये दोस्त होते हैं, कपिल भैया आप जैसे छुट्टी नहीं ले पाते हो हमारे लिए, ये देखो इनको बोलते हैं दोस्त। गाइस मैं ना गाड़ी चला रहा हूँ ना, इसके लिए बराबर ब्लॉग कर नहीं पा रहा हूँ, तो गाड़ी का जितना फन ब्लॉग आपको देखना है ना तो हुसैन के चैनल पे जाके यो गाइस कम टू मी बेबी, उसके बाद का सब मेरा पास अच्छा फन मेरा पास रहेगा, इसका इसको नहीं देखना, फिर मेरे को देखना क्यों फन। और ना चश्मा मैंने इसके लिए पहन लिया है क्योंकि है ना धूप आ रही है, नहीं यार बनना जा रहा है भाई, अरे धूप आ गई गाइस, मैं सोच रहा था बारिश आएगी, बढ़िया बारिश में लॉन्ग ड्राइव करेंगे, कुछ धूप भी मतलब, अरे धूप मतलब ऐसा एकदम धूप वाली धूप नहीं है लेकिन थोड़ा आँख में चमक रहा है, लाइट क्लाउडी नहीं है, हाँ बराबर सनी, सनी लाइट। गाइस ये तो बहुत दूर है वो SX4 वाला, उधर आपको दिख रहा नहीं होगा लेकिन ना मैं अभी क्रीप कर रहा था कि साला वो आगे ब्लॉक के चक्कर में मैं रह गया, पीछे वो निकल गया, वो सिग्नल तोड़ के निकला, पुलिस पकड़ ली गई उसको, अच्छा हुआ मैं बचाऊ गज गया, आप लोग के चक्कर में बचाऊ, इसी बात पे लाइट ठोको। ये हुसैन है ना मेरे को हर बर्थडे पे ना गिफ्ट में ना एक फाइन देता है, हर बर्थडे का रिचुअल है इसका हुसैन का, मेरे बर्थडे पे भी देता है, तेरे बर्थडे भी, हाँ ये साला खुद के बर्थडे पे भी मेरे को मेरे बाइक पे या गाड़ी पे कोई फाइन देता है, अब मेरे बर्थडे पे भी कोई बाइक पे गाड़ी पे फाइन देता है, तो अभी अच्छा हुआ हम लोग बच गए एक फाइन से, ये ब्लॉक आप लोग के चक्कर में बचा हूँ मैं, अभी आशा करता हूँ आगे कोई इसके चक्कर में कोई फाइन नहीं लगे गाड़ी, मैं इसको बचा ही रहा हूँ, बोला कि भाई ऐसा ब्लॉक करते करते मत कर, कैमरा देखे बोलेंगे सर तो ये मेरे पे नाम देंगे, बोलेंगे भाई तेरे वजह से पकड़े गए, तेरे वजह से, इसके लिए भाई तू बाद में करो लॉक थोड़ा। ये देखो लोग अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस को पकड़ लिए है, एकदम मजा आ रहा है, अपना क्या बोलते हैं 100 की स्पीड पे गाड़ी मस्त चल रही है, मेरे को लग रहा था कि 80 का स्पीड लिमिट है, फिर मैंने देखा तो 100 था, तो मैंने और 100 फिर 100 पे लिया, मजा आ रहा है अभी, और बारिश नहीं हो रही लेकिन गाइस मैं सोच रहा था बारिश वारिश मिलेगी मजा आएगा, बारिश नहीं हो रही है, बीच में थोड़ी आई बारिश, ऐसा लगा वाह वाह बारिश है बारिश आई, फिर वापस धूप आ गई, आगे वापस आ गई। ये गाइस देखो अभी आई है ना, अभी वापस से 5 मिनट की है, खाली 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट गरम करके छोड़ दे रही है भाई, आ रही है जा रही है। लोनावला का घाट चढ़ रहे, कान थोड़ा बंद हो रहा है, फील आ रहा है लोनावला का, और क्या बारिश हो रही है, मजा आ गया, मजा आ गया, दिखा दिखा थोड़ा तेरा कान बहुत बड़ा है, अरे मेरा कान का वेंटी दरवाजा है बड़ा था। गाइस क्या मजा आ रहा है एकदम, तुमको पता है जब से चौथी बार बोला इसने क्या मजा आ रहा है, और मेरे को चाहिए था बारिश आ रही है, बीच में ना ऐसी जोर की बारिश आई ना, ऐसा लगा कि इतनी बारिश भी नहीं चाहिए थी। वत्सल ने ना बहुत अच्छी बात किया कि है ना ये लोनावला ऐसी जगह है ना, इधर जितना अपन दिखाएंगे जितना हर मोड़ पे अलग कुछ वाटरफॉल दिखेगा, अलग कुछ है ना ऐसा क्लाउड व्लाउड दिखेगा, बादल दिखेंगे, तो जितना दिखा है उतना कम है, अभी हम लोग जैसा लग रहा है बादल के बीच में चल रहे, देखो कैमरा में एकदम ऐसा जस्टिस नहीं होगा लेकिन एकदम बादल के बीच में चल रहे ऐसा लग रहा है, देखो आगे देखो ऐसा लग रहा है बादल आ रहे, बादल लग रहा क्या बादल ही है मतलब, ये देखो उधर दिखा भाई पूरा, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई,
बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग मोमेंट थोड़ा अपना इंजॉय करते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि लोनावला जाएंगे, आज ट्यूसडे का दिन है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगी। गाइस यहां भी हम लोग को ट्रैफिक मिल रही है, बोला था मैंने। उसे इनका कहना है कि अभी मॉनसून का टाइम सीजन टाइम है, इसके लिए हर दिन ट्रैफिक होती है। तो मैं अग्री करता हूँ उससे, या लॉजिकल बात कर रहा है, हो सकता है, या हो सकता है आज कुछ स्पेशल हो, पता नहीं। कुछ नहीं, तेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे। हम लोग वैसे गाइस लोनावला पहुंच गए, क्या रास्ता मिला, चुम्मा मजा आ गया भाई, लेजिट बहुत मजा आ गया। पूरा मेरा सुकून, मतलब जो वो था ना दिल की ख्वाहिश लोनावला बर्थडे पे आना है, वो पूरी पूरी हो गई। वो इतना ऐसा बादल के बीच में चले ना, बहुत मजा आया। गाड़ी चलाने को बहुत मजा आया, उधर व्यू इतना अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आपने देखा ही होगा, बहुत बार मैंने बहुत मजा बोल दिया। चलो अब गाड़ी थोड़ी चल रही है, बाय बाय गाइस। लोनावला का तुमको एक फैक्ट बताता हूँ जिसको नहीं पता होगा। यहाँ पे मगनलाल चिक्की करके, अभी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे मगनलाल चिक्की करके ना जो शॉप है ना, आपको हजारों मिलेंगे। मतलब इसे, मतलब ना 10-20 जैसे लाइन से एक के बाद जो एक रहेंगे ना, फिर भी सारे के सारे अलग ही है। पता नहीं एक बाप के 100 बच्चे थे कि क्या है क्या मालूम, वो उनका इंटरनल मैटर है। और ये देखो 1-2-3 ये देखो, लाइन पे लाइन मगनलाल ही आता रहेगा। अभी उसने मगन ने क्या लाल मचाया हमको भी नहीं मालूम। बाकी अभी आगे भी है, ये तो कुछ भी नहीं। अभी और जितनी जगह जाएंगे ना, उतने तुमको और जितने मिलते ही रहेंगे। कभी मगनलाल की चिक्की खानी हो ना, आंचल वाली चिक्की, तो आना इधर कभी। तो कैसा रिपीट करेगा तू इन शॉर्ट? अभी यहाँ पे ओजी वाला कौन सा है वो तो अभी हमको भी नहीं मालूम। वो ये रास्ता तो मगनलाल के साथ ही चला गया। देख रहे हो, कहते को लाइन से एक के बाजू है। गाइस तो मगनलाल वाला बोलने का मेन पर्पस ये था कि वो बोल रहा है अगर स्विगी वाला, इधर हम लोग ने देखा स्विगी चलता है, तो उसने बोला कि स्विगी से मगनलाल से ऑर्डर करेगा तो लाइन से सब चार चार दुकान है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि कौन से वाले से लेने का हम लोग को। गाइस हम लोग किनारा विलेज आए लंच करने के लिए। ये गाड़ी का देखो क्या एकदम मस्त, क्या मतलब गंदी हो गई है बारिश में फुल। और इतना मस्त वेदर हो गया ना भाई, यहाँ पे 3 बज रहा है लेकिन ऐसा मस्त एकदम ठंडा लग रहा है एकदम बाप। गाड़ी में बता रहा था 22-23 डिग्री टेम्परेचर है इधर। गाइस यहाँ पर ना किनारा विलेज ढाबा में ना ऊँट बैठे रहते हैं, मतलब ऐसे राइड के लिए। बारिश के लिए एकदम फुल अरेंजमेंट किया है इधर पर, सब लगाया हुआ है। इसका बजाने में ज्यादा मजा आएगा, बस ऐसा घंटे बजा के घुसने का अंदर। फुल बारिश हो रही है भाई, मेरे को पता नहीं है मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, एकदम जोर से चढ़ करके ऊपर से आवाज़ आ रही है। मज़ा आ रहा है, फुल खाना वाना ऑर्डर हो चुका है। मेरा अंदाजा ना सही निकला, रास्ते में भले ही ट्रैफिक थी लेकिन इधर किनारा विलेज में ना पूरा मतलब खाली पड़ा है, एकदम सुकून जैसा लग रहा है। और बाकी टू फ्रेंड फ्रेंड्स को फॉलो करो गाइस, उससे बहुत बकचोदी कंटेंट डालते हैं हम लोग। देख रहे हो विनोद कैसे नॉनवेज बोल के वेज खाया जा रहा है। खाना ना बहुत हैवी हो गया तो सोचा थोड़ा सा ना वॉक करके आते हैं, थोड़ा हजम होगा फिर डेजर्ट के लिए जगह बनेगी। हुसैन का तो इनिंग्स अब तक चालू है, हुसैन फुल इनिंग्स कर रहा है। डेजर्ट आने वाली थी साले, कितने हरामी लोग भाई, आ गई तो बोला भी नहीं, मैं तो टहलने गया था तो बोलने का ना डेजर्ट आ गया है। गाइस वत्सल मेरे लिए नॉन अल्कोहलिक चैंपियन लाया है, रियली अप्रिशिएट। अभी इसको उड़ाने का कैसे मेरे को ये पता नहीं, मेरे लिए सोच कर रहा मतलब उसको पता है उसे पहले तो इसको निकाल, इसको ये डे टू यू चाइनीज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अरे उसको उड़ा दो भाई, हैप्पी बर्थडे ब्रो। हम लोग ना किनारा से निकल गए, मस्त खाया वाया, बर्थडे स्पेंट वेल, लंच डन वेल, मज़ा आया खाने को। हुसैन ने भी एकदम इनिंग्स अच्छी खेली, वत्सल मेरा तो नॉर्मल था, नज़र लगा थे मेरा भी नॉर्मल है वो। मेरा नॉर्मल है ना भाई, मरा नहीं तो करने का। एंड लोनावला इज अगेन ट्रीटिंग अस विद गुड वेदर, वाह वाह वाह, इंग्लिश आने के बाद अंग्रेजी। अभी डिक्लाइन कर रहे हैं हम लोग, मतलब घाट नीचे उतर रहे हैं घर की तरफ, एकदम बादलों के बीच में से आए हैं। ये जो है ना इधर ट्रैक होता है ऐसा, मतलब ऊपर चढ़ते हैं लोग और ऊपर जाके फोटो खींचते हैं करते ऊपर जाके, और वो राइट में खाई देखो पूरा। गाइस हम लोग है ना घाट डिक्लाइन कर रहे थे और ये व्यू देखा, मैं बोला इधर तो रुकना बनता है बॉस, ये आप लोगों को दिखाना है, ये देखो भाई अमेजिंग, भाई अमेजिंग व्यू, भाई क्रेजी।
क्रेजी यार, मच्छर मजा आ रहा है, एक नंबर है, एक नंबर हवा चल रही है भाई, क्रेजी, बहुत ठंडा ठंडा हवा, बहुत बाप लग रहा है। और ये नीचे मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे गाइस हम लोग बॉम्बे की तरफ चल रहे हैं, ऐसा मत धूप आया है ना, क्या धूप सेक रहे अपने आपको, बेटी नहीं, चलो ठीक है अभी धूप देख लिया, बारिश बहुत अच्छी थोड़ी देखना तो उतना देख लिया, फिर भी वार्म धूप है भाई, सब चुभ नहीं रही है, एकदम चुभ रही है भाई आंख में, मेरे को नहीं चुभ रही है भाई, तू चश्मा वो पहना है, सनग्लासेस ना, नहीं 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 निकाल दिया, मेरे को आगे थोड़ा चुभ रही है भाई, थोड़ा आगे मुंडे डाल के देखते कभी चुभेगी। सो हुसैन और वत्सल दोनों को बॉम्बे जाने का था, तो उनको मैंने बीच में से ड्रॉप किया, और अब मैं फिर अभी मैं जा रहा हूँ घर थाने, देखते ही देखते 22 साल के हो गए, एक टाइम था छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे चॉकलेट लेके, बेस्ट फ्रेंड को 2 चॉकलेट देते थे और बाकी सबको एक एक चॉकलेट देते थे, फिर एक जन को चूज़ करके पूरे स्कूल में सब टीचर को चॉकलेट वॉकलेट देते थे, अभी ऐसा दोस्त वही दोस्त लोग के साथ में अभी अपन बाहर घूम रहे हैं, अच्छा लगता है। ये मम्मी ने घर पे केक बनाया था, जो कल से पेंडिंग था काटने का, वो आज कटिंग हो रही है, मम्मी ने मिठाई खिलाई लगती है बहुत। अम्मा नहीं खाते, अम्मा केक खाते ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे बोल व्लॉग में। हैप्पी बर्थडे ब्रो। बर्थडे सेलिब्रेशन अब तक खत्म नहीं हुआ है, शिवम आया है बोला कि केक वेक काटते हैं। यो ब्रो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और प्रतुल भैया इनको पता नहीं था, हैप्पी बर्थडे, इनको पता ही नहीं था कि मेरा बर्थडे है, ये मैंने इनको बताया था कि आज इसका बर्थडे है, गाड़ी में बैठे हैं, बोलते हैं कि सर्वेश का बर्थडे है तो मेरे को विश किए केक हम लोग लेके आ रहे थे, इसने हमको मना किया कि केक मत ले। अरे हाँ मतलब भाई यार घर पे केक बहुत हो गया था, बोला क्या केक केक बहुत हो जाएगा, तो आइसक्रीम आइसक्रीम कुछ खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद प्रतुल भैया का विकेट अभी तक डाउन नहीं हुआ, उनको बहुत भूख लगी है, दिख ही नहीं रहे एकदम, ले 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 अभी देख अभी देख, ये देखो क्या इतना एफर्ट है भाई मेरे ब्लॉग के लिए यार, फ्लैश फ्लैश डाल के एकदम, चलो अभी खाएंगे। सो गाइस फाइनली माय बर्थडे हैज कम टू एन एंड, अभी बज रहे हैं रात के 11:45, आइसक्रीम वगैरह खाया शिवम में लोग के साथ, गार्लिक ब्रेड खाया आपने देखा, और बाकी पूरा दिन लोनावला में थे, मज़ा आया बहुत। आपने अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर देखा है यहाँ तक तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और कैसा लगा कमेंट्स में बताना, चलो थैंक यू सो मच, और जिन्होंने भी विश किया उनको दिल से थैंक यू।